أحمده وأصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. हर टॉपिक को डिस्कस किया अलहमदुलिल्लाह. अब ये कैसे कुछ लास्ट पे ना डिफरेंट मिसाइल हैं, उनको भी देखेंगे ना. कुछ मोटी मोटी सी बातें हैं जो कि हमने जहन में रखनी है मैरिड लाइफ के अंदर भी, और वैसे भी बीइंग अ मुस्लिम में चंद बातों को पता होना चाहिए. तो इसका मुतफर्रिक मसाइल है, चंद देख इनको देखेंगे इंशाल्लाह. तो फिर नेक्स्ट जो प्लान होगा वो जल्द आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा. मुतफरिक मिसाइल में से सबसे पहला मसला इशारतन बताया गया है, और बीवी के मामले में भी, कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है नुमा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे तुम लूत अलैहि सलाम की कौम वाला काम करते देखो तो वो फाइल हो या मफूज दोनों को कत्ल कर. आप समझ रहे हैं ना कि खाउंड और बीवी का जो ताल्लुक होता है ना, फितरती ताल्लुक का क्या तरीका है, जो सेक्शुअल रिलेशनशिप है उसके लिए जो फितरती तरीका है उसे अपनाने की इजाजत है. लूत अलैहि सलाम की कौम वाला जो अमल है, चाहे वो आपस में दो मर्द कर रहे हैं या चाहे वो मर्द औरत के साथ कर रहा है, दोनों सूरतों में इवन कि अपनी बीवी के साथ भी वो ताल्लुक बनाने की इजाजत नहीं, वो हराम रिलेशनशिप. ठीक है, इसलिए अगर बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो ये मसला भी पूछती हैं कि हमारे हस्बैंड हमें इस चीज पर बहुत ज्यादा इसरार कर रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी परेशान और तंग करने की वजह से उनकी बात मान लें. ये हराम काम है, और अगर इसमें आप सपोर्ट करेंगे तो समझे आप हराम काम में सपोर्ट करें. डे वन से ही इसको हकारत से, इसको कभी अमल की तरह ट्रीट करें और कभी मौका ही ना दें. अगर आपको थोड़ी सी नाराजगी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है तो अल्लाह की रजा के लिए आपने करना है ना. खालिक की महलू की इताअत जिसमें खालिक की नाफरमानी हो उसको उसकी इताअत करने की इजाजत नहीं. वैसे तो हामद को उसका हकूक है, लेकिन अगर हामद की ऐसी बात कहे जो शरीयत से टुकराए, जो हराम हो और वो करने का कहे, तो उसकी बात को बगैर सोचे समझे आप इनकार कर सकते हैं, अगरचे वो नाराज भी हो जाए. तो इस्लाम ने जहाँ हमें इताअत गुज़ार बीवी बनने का हुक्म दिया, वहीं पर हमें ये भी बताया कि गलत और सही का भी अंदाजा लगा लेना, क्या सही है क्या गलत, ये जानना जरूरी है. क्या अल्लाह ताला ने मना किया और किस पे करने का हुक्म दिया, इस चीज को भी देख लेना. तो ये दोनों सूरतों में ये वाला काम करना, संसार करने का इनको हुक्म है, फाइल और मफूज जिससे किया जा रहा है और जो कर रहा है, दोनों को कत्ल कर. इसी तरह एक और मसला हमें पता होना चाहिए, हस्बैंड और वाइफ का जो ताल्लुक होता है ना, उसका जो निकाह क्या होता है, वो मौत से भी खत्म नहीं होता. नेक मर्द और नेक औरतें जन्नत में आती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज ने फातिमा रजी
का जिक्र किया, फजीलत क्या है, वो कहाँ और मैं कहाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम दुनिया और आखिरत में मेरी बीवी हो। तो मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं राजी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दुनिया आखिरत में मेरी बीवी हो। इससे पता चलता है कि हाँ तो बीवी का निकाह का रिलेशनशिप मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। नेक बीवियां जो होंगी वो क्यामत के दिन अगर उनके हस्बैंड नेक हुए तो वो कट्ठे जन्नत में होंगी, दूसरे की मियाँ बीवी होंगी। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे अच्छा दुनिया के अंदर अगर किसी को अपना मियाँ पसंद नहीं है या मियाँ को बीवी पसंद नहीं है, अगरचे वो बहुत ज्यादा अच्छे नेक हैं, कभी कभी फजूल में पसंद नापसंदीदा चीजें ऐड हो जाती, तो फिर भी वो इकट्ठी होंगी। अल्लाह ताला उनके सोच बदल दें, क्योंकि आपको पता है जन्नत के अंदर ला यस्मऊना फीहा लगवा वला तअसीमा इल्ला क़ीला सलामा सलामा, कि जन्नत के अंदर बड़ी सलामती होगी, कोई किसी किससे हसर बोगस नहीं करेगा, कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई ऐसी मनफी बातें नहीं होगी जैसे दो उससे दिल बहला कर रहे। तो जन्नत जगह ऐसी है जहां पे दिल साफ हो जाएगी। अगर अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादर है ना, तो वही नेक उम्र और औरत एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगेगी, उनको तो चाहत करेंगे कि हम ही उनके साथ जन्नत में रहें। ठीक है, तो अल्लाह ताला सबके जोड़ों को नेक और साले बनाए ताकि दुनिया में भी वो साथ रहें और आखिर में भी। दुनिया में भी कोशिश करनी चाहिए कि चीजें कुछ नापसंद भी हो फिर भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हामद की मोहब्बत आपके दिल में जिंदा रखे, ताजा रखे, ताकि आपके रिश्ते में वफादारी कायम रहे। जहां पे रिश्ते के अंदर मोहब्बत खत्म हो जाती है और इंसान कंपैरिजन करने लगता है, मुकाबला करने लगता है, वफादारी के कम होने के भी चांसेस पड़ने लगते हैं, दूसरे से गिला शिकवा बहुत सी बातें जन्म लेती हैं। तो ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, इसके अंदर फीकापन नहीं आना चाहिए। अपने इस रिश्ते को जिंदा हमने खुद करना होता है, ये मत सोचे कि कोई आएगा और उसको जिंदा करेगा। जहां आपको लगे कि बेजारी सी आ रही है, कुछ नई चीज करें, कुछ एक शौकपन सा, जो चीज हामद को पसंद भी हो और हामद के साथ ऐसी बातें करना जिससे आपका रिश्ता ताजा हो, चाहे आप बूढ़े ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, अल्लाह ताला सबको सुकून वाले रिश्ते अता करे। बीवी को उसके वालदैन की मुलाकात या हिदमत करने से रोकना मना है, नहीं रोकना चाहिए। अस्मा बिनत अबी बकर से रिवायत है कि उन्होंने कहा मेरी वालदा मुशरिका थी, तो वो नबी सल्लम के कुरैश के मोहल्ला सुलह के वक्त अपने वालिद के हमरा मदीना आई, तो कहते मैंने नबी सल्लम से फतवा किया कि मेरी वालदा मुझसे सिला रहमी की उम्मीद लेकर आई है, क्या मैं सिला रहमी कर सकती हूँ। तो कहा बिल्कुल अपनी माँ के साथ सिला रहमी करो। तो बीवी को शादी के बाद वालदैन की मुलाकात से रोकना या हिदमत से रोकना ये मना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मर्दों को। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे भी मर्द होते हैं दुनिया के अंदर जो अपनी बीवी को तंग नहीं करते। अल्लाह सबको सुलूक वाले मोहब्बत वाले रिश्ते दे। बिल्कुल बहुत अच्छे लोग इस दुनिया के अंदर मौजूद होते हैं, अल्लाह ताला सबको अच्छे सालेह लोग अता करे, जो दीन को समझने वाले, जो फजूल ख्वाहिशात ना करने वाले। ये जो पीछे हदीस पढ़ी है ना हमें कौमे लूत वाला, ये समझे कि नई जनरेशन जो आ रही है ना उनके अंदर ये बुराई बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। और वो पहले तो अपने उन्होंने चस्के लिए होते हैं आपस में हम जिंस परस्ती के जरिए, और फिर जब बीवी के साथ रिलेशन बनता है तो वो उनको एक टेस्ट सा लग जाता है, वो उसके साथ भी वही चीज चाहते हैं कि नेचुरल तरीका छोड़कर गैर फितरती और गैर अखलाकी और गैर शरी तरीका अपनाते हैं अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। अल्लाह ने देखिए कितना खूबसूरत रिश्ता हम अंदर बीवी का बनाया। आप किस तरह मर्जी अपनी जिंदगी गुजारें, लिबास हैं, एक दूसरे के साथ खेलें, मस्ती करें, जो भी करें, जो भी करना चाहे करें, लेकिन सिर्फ एक चीज से मना किया कि इस तरह से इस तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी ना कर। और हम सब कुछ छोड़ कर सिर्फ उसे के पीछे लपकते हैं,
अल्लाह सबको हिदायत दे और सब को समझ बूझ अता कर, दीन की समझ भी अल्लाह ताला सबको अता कर। इसके बाद एक और मसला कि जो लोग जानते हैं पूछते हैं अपनी वल्दियत की बात की बजाय किसी और तरफ मंसूब कर लेते, जैसे बचपन में बेटा बना दिया हो किसी का तो उसका नाम किसी और की तरफ मंसूब कर दे, यानी हकीकी बात की बजाय जिसने बेटा बनाया ना उसकी तरफ नाम मंसूब कर दिया जाए तो ये जायज नहीं। इसके बारे में इतनी सख्त हदीस है कि अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वालिद के सिवा किसी और की तरफ नस्बत करता है तो वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा, हालांकि उसकी खुशबू 500 साल के फासले से महसूस होती है। तो याद रखिए कि जो मुंह बोले बेटे होते हैं या कुछ औलाद एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज मीन एक्सचेंज तो नहीं दे देते हैं अपनी औलाद किसी और को, तो याद रखिए उनको तलकीन करें कि इसका नाम असल बात की तरफ ही मंसूब होगा, इसके बाप जो है ना वही रहेगा अगर से बेटा आप ले, ये हराम है। ठीक है, बापों के नामों से ही पुकारा जाना चाहिए। हसब और नसब, फखर करना या तान करना दोनों मना है, दौरा जाहिलियत की दो काम है। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया लोग इनको कभी नहीं छोड़ेंगे, नोहा भी करता रहेंगे और हसब नसब पर तान भी करेंगे। और आज देखें जात पात हसब नसब पर लोग से को तंज तनकीद करते हैं और नोहा भी करते रहते हैं अपने आप पोतियों में देखें, और वैसे भी मारना पीटना हो तो गमगीन हालात है। अच्छा, अपनी बीवी बहन बेटी या बहू को किसी नामहरम के साथ काबिले इतराज हालत में देखकर कत्ल करना मना है, काबिले इतराज हालत में किसी के साथ गैर शरी अंदाज में देखना और फिर फौरन तैश में उसे कत्ल कर देना इसकी इजाजत है। हदीस में आता है, ये सही बुखारी की हदीस है और इसके अलावा सही मुस्लिम में भी ये हदीस मौजूद है। साद बिन अबादा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि या रसूलुल्लाह अगर मैं अपनी बीवी को किसी मर्द के साथ गैर मर्द के साथ नाजायज हालत में देखूं तो इस वक्त तक मैं इसको कुछ ना कहूं जब तक चार गवाह ना लाऊं। सूरह नूर में हम पढ़ के आए हैं ना कि जब तक चार गवाह ना मौजूद हो तब तक बीवी पर इल्जाम या बीवी को किसी के साथ या नामहरम के साथ यानी किसी के बारे में भी आप ये बात नहीं कह सकते कि इसका उसके साथ रिश्ता है, चार गवाह जरूरी है स्टेप लेने के लिए ना, जैसे संसार करना और या फिर कोड़े मारना जानी की सजा जो होती है, तो अगर चार गवाह हो तो फिर उसको सजा मिलेगी। तो ये जब हुक्म आया तो साद बिन अबादा कहते हैं कि अगर हम अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को देखें तो उसको सीधे तलवार से उसकी गर्दन ना काट दें या उसके चार गवाह लाने का इंतजार करेंगे, यानी हम बीवी को गलत तरीका गलत अंदाज में किसी गैर महरम के साथ देख रहे हैं, हम लोग चार मर्दों को और लाएं, इससे तो हमारी गैरत गवारा नहीं करेगी ना। तो इसलिए उन्होंने कहा हरगिज नहीं, जात की कसम जिसने आपके को हक के साथ भेजा मैं तो गवाह लाने से पहले ही इसे कत्ल कर दूंगा। उस पर रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया लोगों सुनो तुम्हारा सरदार क्या कह रहा है, यानी सात वाकई गैरतमंद है लेकिन मैं इससे ज्यादा गैरतमंद हूँ और अल्लाह मुझसे ज्यादा गैरतमंद है। बात ये थी कि यानी कत्ल करना जायज नहीं बल्कि इससे मजीद फितना फसाद बढ़ेगा, लिहाजा कत्ल ना करो। ये मैंने जो हदीस आप सामने पढ़ी है ये जो है सही मुस्लिम में और सही बुखारी की हदीस जो है वो आपके सामने, तो बात यह है कि अल्लाह ताला की गैरत ज्यादा है लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। ठीक है, इसकी सूरत नूर में हमने डिटेल में पढ़ा है ना, उसके उस पर फिर वो ये होता है कि एक दूसरे पर कसम उठाई जाती है और फिर अगर दोनों कसम उठा लें, अगर हामद कह कि मैंने अल्लाह की कसम कि मैंने मुझ पर लानत हो मैंने अपनी बीवी को फलां के साथ ऐसे देखा, और फिर बीवी भी उसके मुकाबले में अगर तो मान जाएगी तो फिर शादीशुदा के लिए जो सजा है जिना की वो सजा उसको मिलेगी, अगर वो नहीं मानती कहती है मैंने नहीं किया काम ऐसा और वो कसम उठा लेती है, दोनों ने कसम उठा ली अब क्या हुआ दोनों का ताल्लुक खत्म हो गया क्योंकि दोनों दूसरे पर यकीन नहीं ना रहा, अब कौन सच्चा कौन झूठा है, दोनों ने ये कसम उठाई कि हम पे लाना तो अगर हम झूठे हैं।
फिर उस सूरत में उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा और वो हाँ मतलब बीवी नहीं रहेंगे। बीवी के किरदार पर बिला वजह शक करना मना है। एक शख्स अल्लाह के नबी सन की खिदमत में हाजिर हुआ, कहा मेरी बीवी के हाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसको मैं अपना नहीं समझ, यानी उसकी शक्ल नहीं मैच हो रही होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया तुम्हारे पास ऊँट है? कहने लगा जी हाँ। कहा उनके रंग कैसे हैं? कहा कि सुर्ख। पूछा उनमें कोई खाकी भी है? कहने लगा जी उसमें कोई एक खाकी भी है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लम ने पूछा कि फिर तो किस तरह तुम समझते हो कि इसका रंग पैदा हुआ? उसने कहा अल्लाह के नबी किसी रग ने ये रंग छीन ली खींच लिया होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया मुमकिन है इस बच्चे का रंग भी किसी रग ने खींच लिया हो। और रसूल सल्लम ने इसको बच्चे की इनकार करने की इजाजत नहीं दी। ऐसा होता है ना अक्सर कि किसी के कपल के सारे बच्चे बड़े गोरे होते हैं फिर एक बच्चा काला होता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी और का, ठीक है उन्हीं का है, लेकिन बाज़ अवक़ात ऐसा हो जाता है एक किसी एक की शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान अपनी बीवी पे शक करने लगे, ठीक है। और कमारे जानी और जानिया की सजा जो है वो 100 कोड़े और 1 साल की जलावत नहीं है, और शादीशुदा और जानिया की सजा 100 कोड़े और पत्थरों से संसार करना है, रजम करना है, ठीक है ये सजा है। कोई कवारा होकर जिना करता है तो ये तो हुक्म था, ये सजा देना जो हुकूमत के हाँ होता है, हुकूमत के अंडर है ये सब चीजें, लेकिन हमारे यहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है ना इस पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ पर सजाएं वगैरह नहीं दी जाती, इसलिए तो ये बुराई बड़ी कॉमन सी हो रही है। जिना बहुत आम हो चुका है, बहुत आम हो चुके हैं, अब तो प्रॉपर जिना के अड्डे ओपन हो चुके हैं और औरतें अपने आप को चंद पैसों के लिए एक रात दो रात के लिए बेच देती हैं। तो सबसे बड़ी वजह यही है ना कि यहाँ पे कानून नहीं है ये वाला, इसलिए अगर किसी से गलती हो जाती है, किसी ने पूछा कि मुझसे मिस्टेक होगी या मेरी सजा क्या होगी, तो उसकी सजा यही है कि वो तौबा करे बस, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वाले को माफ करता है। सजा देना किसी एक आम इंसान का काम नहीं, कि आपने गलत काम किया तो आपका हमद आपको सजा दे दे या कोई दोस्त आपको सजा दे दे कि संसार काट दे कोड़े मारे, नहीं ये हाकिम वक्त का काम है, लेकिन हमारी हुकूमत के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। सवाल उनसे पूछा जाएगा, हमारा काम अगर कभी किसी से गलती हो जाती है तो वो बजाय दूसरों को बताने के अल्लाह ताला से तौबा करे और आइंदा ना करने का अजम करे, ठीक है। और सूरत निसा के अंदर जो है इसकी डिटेल्स हमें मिल जाती है कि अल्लाह ताला ने जानिया की सजा मुकर्रर की, पहले इसे मौत तक घर में कैद कर दिया, फिर साथ फरमाया कि इस हुक्म पर तब तक अमल करो जब तक अल्लाह ताला कोई और फैसला नहीं कर लेता। यानी पहले सजा इनकी पता क्या होती थी, इसको घर में कैद कर दिया जाए मौत तक, ये बाहर नहीं निकल सकती औरत। तो ये जो भी जना करता, अब अल्लाह हदीस में अल्लाह ताला का इसी इरशाद की तरफ इशारा है कि अब अल्लाह ताला ने औरतों के बारे में राह निकाल दी, यानी ये हुक्म नाजिल किया है कि शादीशुदा जानिया की सजा के अनुसार अदालत पढ़ है, वो चाहे तो दोनों सजाएं दे सकती है कोड़े भी और संसार करना भी चाहे तो सिर्फ एक ही सजा को काफी समझे यानी संसार कर दे, तो वो डिपेंड करता है अदालत पर, अदालती कार्रवाई होती है ये, अदालत स्टेप लेती है, आम इंसान एक इंसान दूसरे को ये सजा नहीं दे सकता। ये चंद मसाइल थे जो इम्पोर्टेंट थे, कोशिश है हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसाइल को डिस्कस किया गया। अब यह है कि आप अपने पास ये फाइल सेव करें, जब भी जिंदगी में कभी शादी से रिलेटेड कोई बात आपको भूले या समझ ना आए आप इसे ओपन करें, इसको देखिए, मोटे मोटे चीजें हैं सब कुछ आपके पास है वाजे हैं, अल्लाह ताला से अब दुआ करनी है आपने कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन रिश्तों को बेहतर अंदाज में संभालने की तौफीक अता करे और रिश्तों को समझने की बर्दाश्त पैदा आपके अंदर करे। आजकल रिलेशंस में दूसरे को बर्दाश्त करना जर्फ ये बहुत कम है, आपको एक छोटा सारा छोटी छोटी बातों पे बेटियां अपनी मदर्स को जाके परेशान करती हैं और उनको छोटी छोटी बातें बताती हैं, हमारे ससुराल में ये हो रहा है, मेरा हमारा ये करता है, बल्कि खुद
अपनी गलती होती है, खुद सेट नहीं होती ना, खुद अपनी मिस्टेक्स की वजह से बर्दाश्त का लेवल नहीं होता, पेरेंट्स के हाँ आसाइशों की जिंदगी थी, आगे हाँ थोड़ा एफर्ट करनी पड़ती है, और जाहिर ही बात है आपको अपने हावन के काम करने पड़ते हैं, थोड़े से अपने घर के भी देखने होते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। जाहिर बात है आपका लेवल बढ़ा के जिम्मेदारी, लेकिन खवातीन में की तादाद बढ़ रही है, बर्दाश्त का लेवल कम हो गया, और हर दूसरे बंदे को गलत समझना, खासतौर पर जो सामने सास ससुर होते हैं या हावत होते हैं, हमारे बड़े करीबी रिलेटिव्स हैं जिसमें इसी तरह एक लड़की थी, और हालांकि घर उनकी शादी हुई, सारी बात हालात से कितनी मोहब्बत होती है, प्यार होता है, लेकिन नोक जो कोई छोटी छोटी चीजें हैं, जाहिर बात है कि बहू से भी कुछ उम्मीदें होती हैं, और बहू की भी अपनी सास से होती है, आपस में उनकी नहीं बनी, माँ को छोटी छोटी बात पे परेशान करना, इवन के एक दिन उन्होंने अपनी अम्मी से कहा कि आप की वजह से ही मेरा घर नहीं बस रहा, और मदर के अंदर जाहिर बात है कि औलाद के मामले में माओ का दिल बड़ा छोटा होता है, खासतौर पर जब लड़की ब्याह दी जाती है तो माएं जो हैं वो बड़ी नाजुक मिजाज हो जाती हैं, बच्ची का थोड़ा सा भी चेहरा लटका हुआ हो ना तो उनको टेंशन होती है, शायद ये इसके साथ पता नहीं क्या हो रहा है, और जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो दिल बर्दाश्ता हो गई, और दिल बर्दाश्ता होके उन्होंने अपनी जान को दी ले ली, और गोलियां खा ली, और 2 दिन के बाद वो फोत हो गई। इतनी जवान और माशाल्लाह से, एक ही बेटी थी उनकी और एक ही बेटा था, दोनों की उन्होंने शादी कर दी थी रिसेंटली, अभी रमजान में उनके बेटे की शादी, और अभी उनकी उम्र थी चीजों को देखने की, तकदीर थी, मौत तो लिखी थी, लेकिन बेटियों को भी थोड़ा सा अपने मामले में समझदारी अख्तियार करनी चाहिए। हाँ उन्होंने ये गलत किया, लेकिन मैं ये चीज सोच रही थी कि माओं का दिल बेटियों के मामले में बड़ा नाजुक होता है, बहुत नाजुक होता है, वो इनकी वो बहुत मोहब्बत करती हैं, माएं बेटों से बढ़कर बेटियों से प्यार करती हैं, आजकल बेटियों को बड़ी इज्जत दी जाती है, और जब बेटियां माओ को इस तरह से आगे से बात करें तो जब माँ बेबस हो जाती है, शायद वो इतनी बेबस हो गई कि पहले ये मुझे मसाइल बताती रही, मैं इसके मसाइल सॉल्व करती रही, और आज ये मुझे ही इल्जाम दे रही है अपने घर में ना बसने की वजह से, हालांकि माएं तो समझाती हैं, तो अल्लाह ताला हम सबको बर्दाश्त दे, अपने मसले खुद हल किया करें, अपने मामलात को खुद डील किया करें, चीजें सही हो जाती हैं, लेकिन अगर बात इधर से उधर तक पहुंचाई जाए तो मामला बड़े खराब हो जाते हैं, ठीक है आपस में मामला ठीक हो जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स के दरमियान रिश्तेदारी खराब हो जाती है, तो मुझे ये लगता है कि ये जो रिश्ता है ना इसको संभालना इतना मुश्किल नहीं है, औरत को कुछ देर मेहनत करनी होती है, और इतनी ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, आजकल बहुत अच्छे लोग भी इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन अपना भी तो अच्छा होना चाहिए ना, हम लोग हमेशा सास ससुर और घर वाले और फैमिली और खावन इसको गलत समझते हैं, और औरतों के लड़कियों की नसीब की बात करते हैं, लड़कियों के नसीब अच्छे करे, आजकल ये भी तो देखिए कि जैसे एक लड़की के लिए दूसरे घर में जाके एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल है, इसी तरह किसी लड़की का लड़के वालों के घर में आना और वो एडजस्ट ना और उनके साथ मैनेज ना करें अपने आप को, तो उनके लिए भी बड़ा मसला बनता है, तो लड़कियां समझदार होना तो मामला अच्छे तरीके से डील कर लेती, एक नसीहत ये समझें, और मैं बल्कि सबको कहती हूँ ये कि आपको हिकमत अमली अपनानी होती है, और मामला को अच्छे अंदाज में डील कराना चाहिए, खामोशी और सिसक सिसक कर रोना ये आजकल की औरत को सूट नहीं करता, और ऐसी औरतें किसी को पसंद भी नहीं, आजकल मुआशरे में कैसी औरतों को पसंद किया जा रहा है, जो जिनके अंदर थोड़ा सा शौकपन हो, जो बात करना जानती हो, मामला को डील कर लें, अपने मसले खुद हल करें, और कुड़ने और जलने की बजाय हिकमत अमली से जवाब देकर बात समझाने वाली हो।
ठीक है, इसलिए अभी लास्ट टाइम जब हमारा लेक्चर हुआ था तो आप में से एक स्टूडेंट ने पूछा कि मेरे अंदर ये चीज नहीं है कि मैं किसी को खुद आगे आगे होकर बुलाऊं और आगे आगे होकर मामला करूं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये याद रखें, ये बहुत जरूरी है। आजकल वालिदैन बच्चे के वालिदैन ये चाहते हैं कि उनकी बहू ऐसी हो कि जो आगे आगे होकर जो घर में आए हैं रिलेटिव्स या मेहमान गेस्ट आते हैं उनको आगे होके मिले, उनसे बातचीत करे, हमसे बातचीत करे अच्छे अंदाज में, और आओ हमारी हमारी चाओ जैसे सास चाओ देखती है अपनी बहू के, तो बहू का भी थोड़ा सा होना चाहिए कि वो अपने सास के हवाले से उसको सास ना समझे, उसको माँ समझे। फिर हामद की भी ख्वाहिशात होती है, तो हम एक तस्वीर के एक रुख देखते हैं, दोनों रुख देखने चाहिए। लोग ही गलत नहीं होते, लड़कियां भी गलत होती हैं, इसलिए लड़कियां अगर थोड़ी सी हिकमत के साथ मामलात को डील करें तो मसले बहुत जल्दी हल हो जाते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातें इधर से उधर बताने की बजाय आपने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप अंदर से टारजन हो, मजबूत बने अंदर से, छोटी छोटी मामलात पे दिल बर्दाश्ता ना हो, और लोगों से मोहब्बत करें, अपनाइयत दें उनको, अल्लाह ताला से अच्छे लोग मांगने की दुआ करें। और अगर जब आपका रिलेशन शुरू हो जाता है तो एक-एक लम्हा आपने ना शुरू में भूल जाना है कि आप किसी और घर में भी थी, आप समझे कि यही मेरा घर है और मैंने इधर रहना है। तो जब आपने इधर रहना है ना तो फिर आप हर सूरत में कंप्रोमाइज, बहुत से मामला पे कंप्रोमाइज कर भी करना भी आपको आसान हो जाएगा, और लोगों के साथ अपने आप को एडजस्ट करना भी इजी हो जाएगा। जितना जल्दी एडजस्ट होंगे आपके लिए आसान, फिर अपने लिए दुआएं भी मांगी, अल्लाह हमें हिकमत सिखा दे, शऊर सिखा दे, ये चीजें बस अल्लाह से मांगा करें। अल्लाह हम सबके लिए आसानियां करें और हमारे लिए मामला को बेहतर बनाए, अल्लाह हम सब पे राजी हो जाए। वाखिर दावाना अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।